पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए रेलवे काम कर रही है। आज एक महत्वपूर्ण पड़ाव रेलवे ने पार किया है, आइए हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन आई थी पीपी इन पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन प्रोजेक्ट में, वो उसके लिए आरएफक्यू में कितनी कितनी कंपनियां आई, आरएफक्यू ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कितनी कंपनियों ने भाग लिया। भारतीय रेलवे का कहना है कि 120 एप्लीकेशन आई हैं, यानी 120 एप्लीकेशन आई हैं 12 क्लस्टर के लिए। पूरे देश को अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है और वहां के लिए ट्रेनें चलनी हैं जिसमें प्राइवेट पार्टनरशिप की जाएगी, यानी निजी कंपनियों की भागीदारी रहेगी और रूट्स पहले से तय कर लिए गए हैं। तो यहाँ पर उसी के लिए आरएफक्यू ओपन किया गया। और एक और खास चीज है, 151 मॉडर्न ट्रेन चलनी है, यानी अत्याधुनिक ट्रेनें चलनी है इस पूरे नेटवर्क में, जिनमें रूट्स तय हो चुके हैं, और 140 ओरिजिन डेस्टिनेशन पेयर्स ऑफ रूट्स थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ 151 मॉडर्न ट्रेन टू इंक्रीज हाई क्वालिटी ट्रेन ऑपरेटेड ऑन द नेटवर्क, यानी 151 ट्रेनों को चलाया जाना है। और एक और चीज है, द आरएफक्यू फॉर 12 क्लस्टर्स वर पब्लिश्ड ऑन 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई को ये आरएफक्यू पब्लिश हो चुका है। और एक और खास चीज है, ये कहा जा रहा है कि जितना भी आरएफपी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा। और ये डॉक्यूमेंट कब तक अवेलेबल हो जाएगा, नवंबर 2020, यानी नवंबर तक जो है ये कहा जा रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आरएफपी इनको यानी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। एक और चीज है जिसमें रेलवे पूरा फोकस कर रही है, फरवरी 2021 तक ये सारे के सारे जो रूट्स हैं, यानी फरवरी 2021 अगले साल फरवरी में ये कहा जा सकता है कि कंपनियों को जो ट्रेन रूट्स हैं वो दे दिए जाएंगे। भारतीय रेलवे इसके लिए कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी भागीदारी बढ़े। तमाम ऐसे रूट्स तय किए गए हैं, 151 ट्रेनें चलनी हैं। तो एक और बड़ी चीज जो तय की गई है, फरवरी 2021 तक ये तय कर लिया जाएगा कि किस कंपनी को कौन सा रूट मिला है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किन किन कंपनियों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। इंटरेस्ट क्या दिखाया है, देखिए मुंबई क्लस्टर के लिए 9 कंपनियों ने, एक तरीके से 9 आरएफक्यू रिसीव किए गए। इसी तरीके से मुंबई 2 के लिए, ये क्लस्टर्स की यहां पर बात हो रही है और ये जिन जो इनको प्रपोजल मिले हैं 12, दिल्ली 1 के लिए 10, दिल्ली 2 के लिए 12, चंडीगढ़ के लिए 9, हावड़ा के लिए 9, पटना के लिए 9, प्रयागराज के लिए 10, इसी तरीके से सिकंदराबाद के लिए जो रूट्स हैं उन पर 10, जयपुर के लिए 10 कंपनियों ने या 10 प्रपोजल इनको मिले हैं, चेन्नई के लिए 9 प्रपोजल, बेंगलोर के लिए 11 और टोटल 120 प्रपोजल्स मिले हैं। अब सवाल उठता है कि किन किन कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया है, यानी तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, और फाइनली जिन कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया है हम उनके नाम बताएंगे आपको, क्योंकि ये बड़ी चीज है, फरवरी 2021 तक ये सारे के सारे रूट्स अलॉट कर दिए जाएंगे। ये भारतीय रेलवे कह रही है, रेल मंत्रालय कह रहा है कि ये जो रूट्स तय किए गए हैं, 151 जो ट्रेन रूट्स हैं उनको प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, साईनाथ सेल्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरसीटीसी, जीएमआर हाईवेज लिमिटेड, वेलस्पन इंटरप्राइजेज लिमिटेड, गेटवे रेल फ्रेट लिमिटेड, क्यूब हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। इसी तरीके से और कंपनियां हैं जैसे मालमपत्ती पावर प्राइवेट लिमिटेड, एलएनटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी एलएनटी ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। और एक और इसमें प्लेयर है आरके एसोसिएट, ये एक ऐसा प्लेयर है जो जगह जगह जितना ट्रेनों में आपको खाना खराब मिलता है या अच्छा मिलता है उसके लिए जिम्मेदार है, जगह जगह जितनी ट्रेनें हैं उसके लिए ये कैटरिंग का काम करता है। अब स्थिति ये बन गई, इतना पैसा कमा लिया है कि अब ये ट्रेन खरीदने जा रहा है। और इसी तरीके से दूसरी कंपनियां हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड है, अरविंद एविएशन और भेल। तो ये 15 कंपनियां हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं इन्होंने विदेशी जो कंपनियां हैं उनके साथ भी टाई अप है, तो ये एक बड़ी चीज है।
और क्या होगा, कौन कौन से रूट्स कब तक मिल जाएंगे, ये सब तय हो जाएगा फरवरी 2021 तक।